Hello everyone, let's continue our discussion on multiple choice questions of class 9th, chapter 15, circles. NCERT में ये हमारा chapter number 10 है और questions हमने RD शर्मा की जो नई MCQ collections की book है वहां से लिए हैं. पिछले videos में हम question 5 तक discuss कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं question number 6. One chord of a circle is known to be 10 centimeter. किसी circle की कोई एक chord अगर 10 सेंटीमीटर है तो आप रेडियस के बारे में क्या कह सकते हैं. द रेडियस ऑफ द सर्कल मस्ट बी रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी या उससे ज्यादा होगी या इक्वल भी हो सकती है, कम हो सकती है. आपको थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करना है कि रेडियस के बारे में क्या कहा जा सकता है. तो ये सर्कल की जो कोड है 10 सेंटीमीटर, चलिए कहीं भी कोई भी कोड एक बना लेते हैं. मान लिया ये हमने कोड बनाई, लेट से ए बी, इसको नाम दे देते हैं ए बी, और इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है. जब आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये इस कोड को बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हमने, कोड आधी आधी हो जाएगी. 10 सेंटीमीटर कोड का लेंथ था तो कोड यहाँ पे हाफ ऑफ 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी. ये सेंटर से जो डिस्टेंस है ये भी कुछ ना कुछ होगा ही. ठीक है, और ओ से ए को हम ज्वाइन कर देते हैं. अब क्योंकि ओ ए एम ट्राइंगल ओ ए एम राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग जानते हैं कि 90 के सामने वाली जो साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज. ओके, और हाइपोटेन्यूज हमको पता है कि लॉन्गेस्ट साइड होती है. ठीक है, 90 डिग्री के सामने जो साइड आ रही है वो है ओ ए. ओ ए आप रेडियस भी समझ सकते हैं, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस. ओ ए हो गई रेडियस, इट विल वर्क लाइक अ हाइपोटेन्यूज. ठीक है, एंड वी नो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. इसका मतलब जो ओ ए लेंथ है वो ए एम है ना, इससे बड़ा ही होना चाहिए, डेफिनेटली बड़ा ही होगा. तो ओ ए ग्रेटर देन 5 होना चाहिए हमेशा. आप कभी भी कहीं भी ये कोड बनाएंगे, कोड का अगर आप पोजीशन चेंज कर देते हैं तो भी ये कोड बेस 5 होगा और हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 से बड़ा ही आना चाहिए. चलिए मैंने एक और कोड बना के दिखा देती हूँ. यहाँ पे अगर आप बनाते हैं, मतलब सेंटर से दूर बनाएं, पास बनाएं, वेयर एवर यू वॉन्ट, रेडियस हमेशा 5 से बड़ा ही होगा इन ऑल द सिचुएशन. एक स्पेशल केस है कि अगर आपकी जो ये कोड है ये डायमीटर ही हो जाए, है ना. इन द स्पेशल सिचुएशन अगर ये डायमीटर जो कोड है 10 सेंटीमीटर, विच इज गिवन 10 सेंटीमीटर, अगर ये डायमीटर ही हो जाए तो इन दैट सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशन है ये, इन दिस सिचुएशन रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि रेडियस कैन बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. या तो रेडियस 5 सेंटीमीटर के इक्वल हो सकती है या फिर ग्रेटर होगी, 5 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, कभी भी 5 सेंटीमीटर से कम नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. ए बी सी इज अ ट्राइंगल विद बी एज राइट एंगल. बी पे राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ए बी सी को राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एंगल बी 90 डिग्री हमें गिवन है, देन ए सी 5 सेंटीमीटर ये लोग बोल रहे हैं. देखो एंगल बी 90 डिग्री है तो बी के सामने होगा ए सी, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा विच इज 5 सेंटीमीटर. ए बी इज 4 सेंटीमीटर. क्लियरली आप लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आप बी सी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं. पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4, 5 होते हैं वैसे तो, है ना, याद भी रख सकते हैं आप लोग डायरेक्टली. और नहीं याद है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटन्यूज स्क्वायर, बेस बी सी परपेंडिकुलर 4 हाइपोटन्यूज, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 16 दैट इज 9, तो बी सी की वैल्यू आ जाती है 3 सेंटीमीटर. चलिए बी सी भी निकल गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर. आगे कहते हैं अ सर्कल इज ड्रोन विद ए एज अ सेंटर. ए को सेंटर माना इन्होंने एंड ए सी एज अ रेडियस. ए सी को रेडियस मान के एक सर्कल बनाया. इट्स गोइंग टू बी अ लार्ज सर्कल. इमेजिन कर लीजिए आप लोग 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो कुछ इस तरह से सर्कल फॉर्म होता हमें दिखेगा. सी से पास हो रहा है, 5 सेंटीमीटर रेडियस एवरीवेयर. के बाद हमसे कहते हैं देन द लेंथ ऑफ द कोड टू दिस सर्कल. इस सर्कल की कोई भी कोड का लेंथ हमें बताना है पासिंग थ्रू सी एंड बी, सी और बी से पास होने वाली. इसका मतलब सी बी को ही हमें एक्सटेंड करना है, सी बी को ही पीछे बढ़ाना है, सी को प्रोड्यूस कर देते हैं. तो ये हो गई सर्कल की कोड. डी पॉइंट मान लीजिए इसको आप, है ना. सी डी कोड का हमें लेंथ बताना है. बच्चों ए पॉइंट क्या था हमारे पास, देखो थोड़ा सा थ्योरम्स को रिकॉल करेंगे. ए पॉइंट था सेंटर,
ठीक है, बी पॉइंट पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है, तो यहाँ बाइसेक्ट वाली सिचुएशन बनेगी, है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोर्ड बाइसेक्ट्स द कोर्ड, कोर्ड को हाफ ऑफ करता है। एक हाफ पार्ट हमें पता है कि 3 सेंटीमीटर है, तो दूसरी तरफ भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। इसका मतलब जो कोर्ड का लेंथ है सीडी, वो हो जाएगा 3 + 3 6 सेंटीमीटर। So that is D option is the correct answer. Let's see question number 8. If AB, BC and CD are equal chords of a circle, of a circle, एक ही circle की तीन chords हैं और तीनों equal हैं. AB is equals to BC is equals to CD in length, है ना? And O with O as a center and AD as a diameter. Circle का diameter AD हमें given है. Then angle AOB. चलिए थोड़ा सा एक डायग्राम बना के आइडिया लेते हैं व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज। सर्कल बना लेते हैं और एक डायमीटर बना लेते हैं। अब इसमें हमें तीन इक्वल कोर्ड्स बनानी है, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। ए डी हमने डायमीटर बना लिया। आई थिंक इस तरह से कुछ सिचुएशन होगी, ए बी एक कोर्ड हो गई, यहीं से दूसरी शुरू होगी, बी सी अनदर कोर्ड एंड सी डी इज द थर्ड कोर्ड। ओके या एंड ऑल दीज थ्री आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल टू ईच अदर। एंड स्टूडेंट्स यू नो दैट थ्योरम, द इक्वल कोड्स सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कोड्स सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इस चैप्टर में हमको क्या करना है, ये सारी थ्योरम्स एक जगह लिख के इनको बिल्कुल अच्छे से थ्योरम के स्टेटमेंट सारे आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। थ्योरम के स्टेटमेंट याद होंगे तो आप अपने आप उनको सही जगह अप्लाई कर पाएंगे। अब ए बी कोड इक्वल है बी सी कोड के और बी सी कोड इक्वल है सी डी कोड के, तीनों कोड इक्वल हैं, तो तीनों कोड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबस्टेंड करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए ओ बी इट विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी एंड इट विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। इनको हम एंगल 1, 2 और 3 नाम दे देते हैं। लेट्स से एंगल 1, इसको एंगल 1 कह देते हैं, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 तीनों एंगल इक्वल होंगे, एक्स बोल दीजिए आप चाहें तो। अब क्योंकि ए ओ बी डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है ना, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑफ डायमीटर, क्योंकि डायमीटर था तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो तीनों एंगल का सम जो होगा 1 + 2 + 3, सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इट विल बी 180। तीनों को ऐड करते हैं, 3 × x विल बी 180, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 180 डिवाइड बाई 3, दैट इज 60 डिग्री। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी बी द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल सच दैट मेजर ऑफ आर्क ए बी 183। आर्क ए बी सेंटर पे 183 का एंगल बना रहा है, ध्यान रखें 180 से थोड़ा सा ज्यादा है ये, है ना। तो ये आपका एक मेजर आर्क होगा, आधे सर्कल से थोड़ा सा ज्यादा। डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। इफ द रीजन बाउंडेड बाय द आर्क ए सी बी एंड द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय एस, देन द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल लाई। सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, ए बी आर्क इन्होंने 183 बोला। बच्चों जब भी आप कोई डायमीटर बनाएंगे तो इसका मतलब हुआ सर्कल हाफ हाफ हो गया, है ना, और सेंटर पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, आधा सर्कल 180 डिग्री हो गया। अब इन्होंने मेजर ऑफ आर्क ए बी बोला है 183, 180 से थोड़ा सा ज्यादा, इसको आप मान लीजिए ए पॉइंट और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। यहाँ से मेजर ऑफ आर्क ए बी इज 183, ये इस आर्क ए बी की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस आर्क ए बी। एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए बी, सी यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है इस आर्क का, सी कोई मिड पॉइंट हो गया। ओके तो इस तरह से क्वेश्चन जनरेट हुआ, ये आर्क ए बी मेकिंग एन एंगल 183 एट द सेंटर। इफ द रीजन बाउंडेड बाय द आर्क ए सी बी एंड द लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी भी बनाइए आप। नाउ आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर, द रीजन बाउंडेड बाय द आर्क ए सी बी एंड द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय एस। इस रीजन को एस से डिनोट कर रहे हैं, कौन से रीजन को, ये वाला जो रीजन है आर्क ए सी बी एंड लाइन सेगमेंट ए बी, इट इज डिनोटेड बाय एस। डायग्राम से आपको आंसर मिल जाएगा, देन द सेंटर ओ लाइज, सेंटर ओ कहाँ लाई करेगा,
इनसाइड एस, है ना, एस की तरफ लाई करेगा, इन द इंटीरियर ऑफ एस. ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे. ये इंटीरियर क्यों हुआ, क्योंकि एंगल जो था ना यहाँ पे, ये एंगल जो बन रहा है ये 183 बन, दिस एंगल इज 183 डिग्री, सो मोर देन 180, है ना, 180 से ज्यादा, आधे सर्कल से ज्यादा हो गया ये. और जब आप कोड ए बी ज्वाइन करेंगे तो सेंटर ऊपर की तरफ आ जाएगा, सेंटर विल लाई इन साइड दिस रीजन. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. इन अ सर्कल द मेजर आर्क इज 3 टाइम्स द माइनर आर्क. मेजर आर्क इज 3 टाइम्स द माइनर आर्क. द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स आर एंड द डिग्री मेजर्स ऑफ टू आर्क्स. क्योंकि इन्होंने कहा है मेजर आर्क इज 3 टाइम्स द माइनर आर्क. लेट्स डू वन थिंग, एक सर्कल बनाते हैं और उसे चार बराबर हिस्सों में कट कर लेते हैं. अब एक किसी भी आर्क को आप माइनर आर्क बोल दीजिए, है ना, ए बी हो गया हमारे पास माइनर आर्क. देखिए ये एक पार्ट है और बाकी 1 2 3, 3 टाइम्स हो गया ये, है ना, रिमेनिंग जो हुआ, दिस रिमेनिंग इज 1 2 and 3 टाइम्स. यस, सेंटर से कहीं आप इसको ज्वाइन कर लीजिए. इस तरह की सिचुएशन बनेगी आपकी, दिस इज मेजर आर्क जो बड़े वाला है, मेजर पोर्शन, एंड दिस इज माइनर आर्क. सो व्हाट सेज मेजर आर्क इज 3 टाइम्स, 3 गुना हो गया ना ये. अब देखो यहाँ पे 3 पोर्शन इसमें आ रहे हैं मेजर आर्क में, 1 1 2 and 3. ओके, एंड इट्स क्वाइट क्लियर माइनर आर्क कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, और मेजर आर्क कितना बना रहा है, 360 माइनस 90, दैट इज 270 डिग्री. मेजर आर्क इज मेकिंग 270 डिग्री. अब क्वेश्चन में आंसर कौन सा करना है, देखिए इन्होंने क्या लिखा है, इन द सर्कल द मेजर आर्क, पहले इन्होंने मेजर आर्क के बारे में बात की है, बाद में माइनर आर्क की बात हो रही है. देन करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, मतलब पहले मेजर एंगल बताइए आप, देन माइनर. ओके, सो योर आंसर शुड बी मेजर आर्क इज मेकिंग 270 डिग्री एंड माइनर आर्क इज मेकिंग 90 डिग्री. ओके, सो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारे पास जो हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ. तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप रफ डायग्राम बना ले तो वहां से एक पिक्चर हमें काफी अच्छे से क्लियर हो जाती है. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. For next questions, watch our next video. Tab tak ke liye, take care, enjoy life, enjoy maths as it's easy.